नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में लगातार मोबाइल लूट की वारदात बढ़ रही थी। वहीं क्राइम ब्रांच को सिटीजन कॉप पर मोबाइल लूट की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अन्य जगह वारदात करना भी स्वीकार किया है। दरअसल सिटीजन कॉप पर क्राइम ब्रांच को मोबाइल लूट होने की शिकायत मिली थी कि शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने लूटा हुआ मोबाइल ट्रैकिंग पर लगा रखा था। उसी दौरान अज्ञात आरोपी द्वारा मोबाइल चालू किया गया। वहीं आरोपी ने खुद के फोटो भी लूटे हुए हैं, मोबाइल से खींचे, और जैसे ही क्राइम ब्रांच को डाटा अपडेट हुआ, क्राइम ब्रांच लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने और भी जगह वारदात देना स्वीकार किया है। फिलहाल आरोपी से लूटे हुए 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है, इसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। हमको सिटीजन कॉप पर जो है जो ऐप इंदौर पुलिस द्वारा संचालित है इंदौर के शहरवासियों के लिए, उस पर हमको सूचना मिली थी कि एक मोबाइल जो है वो छीना गया है। इस तरह के हमारे पास कुछ काफ़ी सूचनाएं थी, उस पर कार्रवाई करते हुए एक गणेश पाटिल नाम के व्यक्ति को उसमें पकड़ा गया है। उसकी दो तीन लोगों की उसकी गैंग है और ये मोबाइल छीनने का अक्सर वारदातें करते हैं। इनसे अभी तक लगभग हमको 6 मोबाइल मिल चुके हैं और इसमें से एक मोबाइल MIG थाना क्षेत्र का है और जो बाकी जो मोबाइल हैं उनके जो फरियादी हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। आरोपी क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है इनका? कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं और ये पुनः इन्होंने ये वारदातें करी है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।